आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ की हुई शादी जयमाला पहनाते हुए वीडियो आ गया सामने। नमस्कार, आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ की शादी की खबरें लंबे समय से आ रही है। ये सारा किस्सा इंडियन आइडल 11 के सेट से शुरू हुआ था। सेट पर दोनों के पेरेंट्स शगुन के साथ शादी का रिश्ता लेकर पहुंचे, तब दोनों के परिवार ने मिलकर 14 फरवरी शादी की डेट फिक्स की थी। इस डेट पर शो के जज विशाल ददलानी और हिमेश शमिया ने भी सहमति जताई थी। अब आदित्य और नेहा की शादी हो गई, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। नेहा और आदित्य की शादी इंडियन आइडल 11 के सेट पर हुई। इस दौरान नेहा पिंक कलर की ड्रेस पहने नजर आई, वहीं आदित्य क्रीम कलर की शेरवानी में दिखे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि शो के स्टेज पर आते हैं, मंडप सजता है, सारे कंटेस्टेंट बराती बनते हैं, नेहा और आदित्य के लिए जयमाला लाया जाता है। बता दें, आदित्य और नेहा कक्कड़ की शादी में हिमेश शमिया की पत्नी सोनिया भी पहुंची थी। उन्होंने शो में सरप्राइज विजिट किया। वो आदित्य और नेहा के लिए गिफ्ट लेकर भी पहुंची। सोनिया के सेट से तस्वीरें वायरल हो रही। ये एपिसोड अब 14 फरवरी को टेलीकास्ट होगा, जिसमें दर्शक नेहा और आदित्य की शादी होते हुए देखेंगे। बता दें कि ये सारा खेल इंडियन आइडल 11 की टीआरपी को भुनाने के लिए रचा गया है। नेहा और आदित्य की शादी का खेल रचने के बाद से शो को जबरदस्त टीआरपी मिल रही है। हर एपिसोड में कोई नया कोई रस्म होती दिखती है। वहीं नेहा और आदित्य एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए भी नजर आए। दोनों की शादी सच में नहीं हुई। हालांकि आदित्य और नेहा के फैंस शादी की इन खबरों को सच मानने लगे थे, जिन पर आदित्य के पिता आदित्य नारायण ने सफाई भी दी थी। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में आदित्य नारायण ने कहा कि आदित्य हमारा इकलौता बेटा है, हम इसकी शादी का बेसब्री से इंतजार करें। अगर उसकी शादी की अफवाह सही होती तो मैं और मेरी पत्नी इस दुनिया में सबसे खुश होते। अगर कुछ दिनों में आदित्य की शादी हो रही होती तो वह अपने माता पिता को सूचित करता है। लीक अप और शादी की अफवाहें सिर्फ इंडियन आइडल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, हमें उसे अपनी बहू स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।